हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के जो डाइवोर्स के रूमर्स आए थे, और ये डाइवोर्स के रूमर्स तब निकल के आए थे जब नताशा स्टैनकोविक ने, जो उनका इंस्टाग्राम यूजर नेम था नताशा स्टैनकोविक पांड्या, उसको चेंज करके खाली कर दिया था नताशा स्टैनकोविक। वहीं जो भी वेडिंग के पिक्चर्स थे उनको भी उन्होंने आर्काइव कर दिया था, और कुछ सोर्सेज जो उनके नियर बाय थे उन्होंने ऐसी रिपोर्ट निकाली थी कि नताशा स्टैनकोविक ने कितने ही महीनों पहले घर छोड़ दिया हार्दिक पांड्या का। वहीं नताशा स्टैनकोविक का बर्थडे था 4 मार्च को, तब हार्दिक पांड्या ने ना तो कोई स्टोरी डाली थी ना ही कोई पोस्ट डाला था, और नताशा स्टैनकोविक हमेशा IPL के स्टैंड्स में नज़र आती है अपने हस्बैंड हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हुए, लेकिन इस सीज़न के IPL में वो नज़र भी नहीं आई थी स्टेडियम में, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाल के उनको सपोर्ट किया था। लाइक धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल की स्टोरीज भी पोस्ट करी थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया था उन्होंने, ना ही ये दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे और लाइक कर रहे थे। लेकिन कृणाल पांड्या जब भी पोस्ट डाल रहे थे तब ये लोग बराबर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के पोस्ट पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से रूमर्स और भी तगड़े हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे उन रूमर्स को खारिज करते हुए नजर आ रही है नताशा स्टैनकोविक, क्योंकि उन्होंने जो भी वेडिंग के पिक्चर्स थे उनको अनआर्काइव कर दिया। अब अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर जाओगे तो आपको सारे के सारे पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, और होपफुली इस लोग बाग यही प्रे कर रहे हैं कि इन दोनों के डाइवोर्स के रूमर्स खारिज हो जाएं और ये दोनों वापस से साथ में नजर आएं। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना।